अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, आमीन सुमा आमीन। ये वक्त है सहरी का और ज़ुमैर, अबू बकर और उमर जो है वो जागे हुए थे। अबू बकर और उमर जो है वो मस्तियां कर रहे थे और साथ ही यहाँ पर जो ज़ुमैर हैं वो उनकी मूवी बनाने की तैयारियाँ कर रहे थे। आज सहरी में बना था कीमा, प्याज वाला कीमा, बहुत ही मज़ेदार कीमा बना था। पूरी रात उठे रहते हैं तीनों बहन, पता है तीनों भाई और अब यहाँ पर तैयारी हो रही थी शाम के यानी के रोजे की, चिकन कट रहा था। साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो जर्निश के लिए नाश्ता बना दिया था। आज मैं जर्निश को करा रही थी नाश्ते में पराठा, अंडा, केचप और ये चिकन का कबाब बनाया था वो खिला रही थी, वो बना के लेके जा रही हूँ। और छोटा सा पराठा बनाया था, ज़्यादा बड़ा पराठा भी नहीं बनाया था। और ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट इन्होंने ज़रूर कार्टून देखना होता है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम अम्मी, अभी मुझे ना हाँ बताइए मम्मा क्या करा रही हैं। ओए होए, वहाँ पे अम्मी बैठी हुई है, रूटीन है। चले आप भाई जर्निश को हम नाश्ता कराते हैं और से मिलते हैं बाद में। बस अब मैं यहाँ कमरे में आ गई हूँ, अपना जो है वो कमरा समेटूंगी, बिस्तर वगैरह जो फैले हुए हैं वो उठाऊंगी। बिस्तर क्या होते हैं, मेरे बेड पे तो सिर्फ एक ये ब्लैंकेट ही होता है और बस पिलोज जो हैं वो थोड़े से इधर उधर हुए हुए होते हैं तो उनको सेट करूंगी। कल ये जर्निश गई थी फूफो के यहाँ पे, उनके यहाँ खत्मुल कुरान था तो बस ये कपड़े पहन के गई थी। दिखाऊंगी ये वाले कपड़े भी, बहुत प्यारा सूट है ये जर्निश का, नानी ने सिला था जर्निश की, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए किस कदर प्यारा सूट है ये, माशाल्लाह। इसी तरीके से अम्मी जो है वो जर्निश के प्यारे प्यारे कपड़े, जर्निश उष्णा के कपड़े जो है वो अम्मी सीती रहती हैं। फिर हम अम्मी से कहते हैं अम्मी इस तरीके के कपड़े आप हमारे भी सी दिया करें। तो खैर ये तो बच्चों के कपड़े जो है वो घर में आराम से बन जाते हैं और प्यारे भी लगते हैं। तो चलिए जी आप अपना कमरा समेटते हैं, सफाई वफाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। अपने और दूसरे काम करके मैं फारिग होके किचन में आ चुकी थी। आज बन रहा था किचन में शवरमा बना रही थी मैं, जो फिर मैंने पॉकेट शवरमा बनाया था वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो फिर ये बच्चों की भी फरमाइश थी कि जो है वो बड़ा शवरमा जो है वो ये आप बनाएं, तो फिर मैंने जो है वो शवरमा बनाने का सोचा और अब मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर रही हूँ। ऑयल लिया है, चिकन ली थी मैंने, बोनलेस दी थी उसको स्ट्रिप में मैंने कट कर लिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक और अदरक लहसुन ज़्यादा मकदार में डालकर इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लिया है। इतना भूना कि इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे टिक्का मसाला डाल रही हूँ। टिक्का चिकन टिक्का मसाला हो या सीख कबाब मसाला हो, टिक्के का जो भी आपके पास मसाला हो वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी दो सॉसेस जिसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खटास हो जाती है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च, काली मिर्च वगैरह भी डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैं इसे कुक करूँगी, इतना कुक करूँगी कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। लास्ट टाइम मैंने आपको पिज़्ज़ा डो, शवरमा डो, पीटा ब्रेड की यानी कि रोटी की जो है वो डो बताई थी, उसी तरीके का प्रोसेस था वही। मैंने आटा गूंदा जब वो राइस हो गई यानी फूल गई, तो फिर इसके बाद जो है वो मैंने इस तरीके से पेड़े बना के और इसकी रोटियां बना रही हूँ। ये जो है वो देखिए ये पीटा ब्रेड जो थी वो हमारी तैयार हो चुकी है, इसी तरीके से सारे तैयार कर। और ये हमारा सेकंड लॉट तैयार हो रहा है रमज़ान का, जो कि पहले हमने रमज़ान में बनाया था वो ख़त्म हो गए समोसे, अब यहाँ पे बन रहे हैं समोसे।
यहाँ पे बन रहे हैं समोसे, यहाँ पे ये चीजें बन रही हैं, देखिए लही भी रखी हुई है, यहाँ पे अम्मी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक। क्या हाल है भाई महविश? अल्लाह का शुक्र है सबके अच्छे से। हमें जोर से बोला करें थोड़ा, तो भी सबके यहाँ वहाँ पर सबके रोजे माशाल्लाह से सबके अच्छे शायद है कि यहाँ पर खत्म हुआ था। हम लोग सब गए हुए थे वहाँ पर, सब लोग आए हुए सब पूछ रहे थे, नंदी नहीं आई, शादिया नहीं आई, बस एक गाड़ी में जितने अफराद जा सकते हैं गाड़ी में जितने बंदे आ गए आ गए। बस फिर हमने पीछे सिपाहा वगैरह पढ़ लिया था। अस्सलाम वालेकुम सुमैर, सुमैर की सुबह हुई है। सुमैर कैसे हैं आप? हैं बेटा, रोजा जो है वो बिना नमाज के थोड़ी होता, दो दिन हो गए आपको। नमाज पढ़ी है मैंने। कब पढ़ी? मैं 11-12 बजे नहीं 1 बजे उठा था, फिर दादी यहाँ पे अंदर नमाज पढ़ी थी, मैंने बाहर आ गया था नमाज पढ़ के, फिर मैं यहाँ पे लेटा था। हैं जी, चले भाई गया था। चले ये कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं इनकी बात, कहीं नमाज पढ़ रहे होंगे। दो दिन हो गए वैसे कि जब से इसके पेपर खत्म हुए, ये ऐसे ही सो रहा है और सो के उठता है ये तकरीबन कोई, ये देखिए जरा 5:30 बजे के लगभग जो है वो ये जनाब उठते हैं। और सुपारे कितने हो गए? एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है वो हमारी जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब हमारे पास है यहाँ पर ये प्याज गोभी, साथ में अंदर है हमारी शिमला मिर्च। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है? बंद कर दो। हमें ये सब्जी डाल के इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा कुक भी किया था ताकि ये जो प्याज और शिमला मिर्च वगैरह है ये थोड़ी सी कुक हो जाए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है आपको, वरना जो इसकी क्रंचीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो ऐड नहीं किया, अगर इस टाइम पे मैं टमाटर ऐड कर देती तो टमाटर अपना पानी जो है वो छोड़ देता, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सबसे पहले ब्रेड यानी रोटी के ऊपर मैं डाल रही हूँ तहीनी सॉस, मैंने बनाई थी जो कि बहुत ही आसान थी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि सिसिमी सीड्स से बनती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने वो डाली है, उसके बाद मैं यहाँ पर केचप डाल रही हूँ। केचप वगैरह डालने के बाद मैं इसके ऊपर ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था मैं वो डालूंगी, जो कि चिकन से बनाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा था। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा भी जितनी भी वेजीज थी वो भी रखनी थी कि अगर कम लगे या थोड़ी सी, ऐसा होता है ना कि कभी कभी दिल चाहता है थोड़ी सी और सब्ज़ी हो, तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे जो मैंने अपना फीलिंग शवरमे की बना के रखी थी वो डाल रही हूँ, ये देखिए अच्छे तरीके से आप इसे फिल कर दें, जिस तरीके से बाजार से हम शवरमे खाते हैं वो डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेड डाल वो टमाटर डालूँगी, साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो प्याज और वो भी थोड़ी सी डाल दूँगी, अगर चाह तो थोड़ी सी और डाल दूँगी। और ये तैयार है हमारा मज़ेदार सा शवरमा, अच्छे से बाहर निकलता था, बहुत ही मज़े का बना था, सब बच्चों को बहुत पसंद आया था। चलो शवरमा तो बताओ कि शवरमा कैसा था? बहुत अच्छा, सबसे सब मम्मा की तारीफ कर रहे थे क्या जब मेहमान आए ना तो भी यही बनाना चाहिए। आपको मजे का लगा? बस पर मैं पढ़ने के लिए सिपारा बैठी हूँ तो जुमैर भी मेरे साथ आ गए कि मैं भी सिपारा पढ़ूंगा। जुमैर कौन सा सिपारा है आपका? 11वां। माशाल्लाह एक कुरान माशाल्लाह इन्होंने मुकम्मल कर लिया है, और अब माशाल्लाह ये दूसरे कुरान का 11वां है ना? नहीं बेटा, वो तो पहले का पढ़ा हुआ है आपने। चलिए जी अब पढ़ते हो, फिर हम मिलते हैं आपसे बाद में।